हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने पूरे लोअर बॉडी फैट को खत्म करने के लिए एक सिंपल से एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिसमें आपको कोई भी कूद फान नहीं करना है, कोई भी भारी एक्सरसाइज नहीं करनी। बस आपको 30 सेकंड के लिए उस जगह पे होल्ड करना है, उस जगह पे रुकना है। और आप अगर बस 30 सेकंड होल्ड करते हो ना, तो इससे आपका जितना भी लोअर बॉडी फैट है ना, जैसे आपका पेट के नीचे बहुत ज्यादा लटक जाता है, जांघों के पास जो फैट आ जाता है, पैर के पास आ जाता है, वो सब बहुत ही आराम से सिर्फ रुके रुके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे लोअर बॉडी फैट को हमेशा के लिए सिंपल तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको उकड़ू बैठना है, जैसे कि इस तरीके से पैर के घुटनों को फैला के, मतलब पैर के पंजों को भी थोड़ा अलग करके हाथों को आपस में जोड़कर इस तरीके से इस कलाई को अपना घुटनों के पास लगा ले दोनों साइड से, और इस तरह से बस आप 30 सेकंड बैठने का कोशिश करें। आपका जो बॉडी है वो खुद ब खुद बिल्कुल शेप में आ जाएगा। आपको जब भी टाइम मिले अपने घर पे आप इस तरीके से बैठ सकते हो, इस तरीके से बैठकर आप पानी भी पी सकते हो। तो सिंपल बस आपको इस तरीके से शुरू में 30 सेकंड रुकने का कोशिश करना है। यहाँ पे आप गिन कर सकते हो, टाइम देख कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं 10 सेकंड रुक के बता रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको 10 से 20, 30 सेकंड इस तरीके से रुकना। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से जो करेंगे उसमें आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से उकड़ू आसन में बैठे हैं, दोनों हाथों को आपस में जोड़े हुए हैं, पैर फैला हुआ है, इसी में आपको इस तरीके से उठना है, फिर से इस तरीके से नीचे आ जाना है, जैसे इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से करना। अगर आपसे नहीं हो रहा हाथ जोड़ के, तो आप हाथ को छोड़कर इस तरीके से उठने का कोशिश करें, फिर इस तरह से आकर आप यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हो। अच्छा, कम से कम 10 बार जरूर करें, जैसे इस तरीके से 1, फिर नीचे आए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से आपको करना है। पहले आपके यहाँ 30 सेकंड रुकना है, फिर इस तरीके से आप 10th बार नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। उसमें आपको इस तरीके से फिर से आ जाना है अपने पैरों के पास, और एक हाथ से इस तरह पैर के पंजों को रखना है, एक हाथ इस तरह से सिर के ऊपर से। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका पूरा लोअर बॉडी जो है, इस पर आपका पूरा असर होता है, आपके पैर पे, आपके कमर पे, आपके पेट पर। तो इस तरह से आके आपको यहाँ 30 सेकंड 10 सेकंड रुकना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड रुके, फिर इस हाथ को इधर करेंगे, ये हाथ कान के ऊपर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड रुके, फिर इस तरीके से आप 10th बार कर ले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से आप 10 10 का 3 सेट भी कर सकते हो, 30 बार तक कर सकते हो, 30 सेकंड 30 सेकंड के लिए रुक सकते हो। तो इस तरह से आप कर ले 10th बार 20 बार। उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से ही बैठना है जैसे बैठे थे, दोनों हाथों से अपने पैर के उंगलियों को, पैर के पंजों को इस तरीके से पकड़ लेना है, और इस तरीके से आपको पीछे से अपने कमर को बिल्कुल उठा लेना है इस तरह से। यहाँ के आप 30 सेकंड 10 सेकंड रुकने का कोशिश करें, फिर से आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है। तो यहाँ भी आप 9 सेकंड रुक सकते हो, उसके बाद आपको ऐसा 10th बार कम से कम करना है, जैसे पैरों को ऊपर किए फिर नीचे, जैसे 1, फिर से उठाएं फिर नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब आप इस तरह करोगे ना, तो खुद आपको पता चलेगा कि आपके लोअर बॉडी फैट पे इसका कितना अच्छा शेप है। उसमें आपको इस तरीके से आ जाना, हाथों को थोड़ा पीछे कर लेना है, एक पैर के घुटनों को दूसरे पैर के पंजों के पास इस तरह से लगाना है, फिर इस पैर के घुटने को इस पैर के पंजे के पास, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इस तरीके से आपको यहाँ के कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, रुकना है, फिर इस साइड भी आके कुछ सेकंड के लिए रुकना है। फिर पे उसमें दोनों पैरों को इस तरह जोड़ लेना है, पैर के पंजों को एकदम पकड़ के कमर को सीधा कर लेना है, दोनों हाथों से अपनी इस तरीके से
पैर के पूरा नीचे घुटनों के पास दबाने का प्रेशर देने का कोशिश करें। यहाँ के आपको 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड जितना देर रुकना है रुक सकते हैं। इस तरह से आपको दबाव देना है थोड़ा जमीन की ओर, पैर के पंजे आपस में सटे हुए रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। और दोनों पैरों को इस तरह हिलाते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट जरूर करें, फिर आराम से उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आ जाना है। पैर के पंजों को अगर आपसे नहीं होता है शुरू में, आपको इस तरीके से धीरे से पीछे घूमना है, फिर आप अपने पैर की एड़ियों को इस तरह ऊपर करके दोनों हाथों से इस तरह से झुकने का कोशिश करें। यहाँ के 10 सेकंड, 20 सेकंड रुके, और जब ऐसा होने लग जाए तो पूरे पैर के नीचे कर दें पैर के पंजों को, और इस तरह से आप यहाँ पे 10 सेकंड, 30 सेकंड जितना देर होल्ड कर सकते होल्ड करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 सेकंड होल्ड कर लें, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना देर हो होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर आना है, अपने सिर को आगे की ओर झुका के यहाँ भी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। स्टेप है उसमें आपको इस तरीके से बिल्कुल सीधा आराम से लेट जाना है, इस तरीके से पैरों को पहले ऊपर उठाना है दोनों पैरों को, फिर धीरे धीरे जैसे इस तरीके से उठाएं धीरे धीरे कमर के पास हाथों को लगाते हुए पैरों को बिल्कुल पीछे की ओर करना है, इस तरह से एकदम धीरे धीरे लेके जाना है। और जब यहाँ पे आप आ जाए तो यहाँ आके आपको 30 सेकंड, 10 सेकंड जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं हाथों को साइड में, आपको यहाँ पे रुकना है कम से कम 10 सेकंड, 30 सेकंड रुकने का कोशिश करें, और यहाँ आके आप 1 से 2 मिनट तक रुक सकते हैं। तो शुरू में आप 30 सेकंड होल्ड करें, यहाँ पे 30 सेकंड के लिए रुके, और खुद अपने पेट पर, अपने जांघों पर, अपने शरीर पर इसका असर देखें। यहाँ पे आपको 30 सेकंड रुकना है, हाथों को सीधा, पैरों को बिल्कुल पीछे कर देना है इस तरीके से, फिर धीरे धीरे आगे की ओर आना है, पैरों को बिल्कुल सीधा करके आराम से 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। अगर आप 1 मिनट के लिए पीछे होल्ड करते हो यहाँ के 30 सेकंड के लिए आराम करें, आप 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से रुक सकते थे। उसके बाद आपको जब नीचे सीधाते हो तब आपको 30 सेकंड बिल्कुल आराम से रेस्ट करना है, सीधा लेट जाना, फिर आराम से। आप रोज बस इतना सा एक्सरसाइज कर लेते हो और अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो, यानी बाहर का जंक फूड नहीं लेते हो और मीठी चीजों को छोड़ देते हो, मैदे से बनी चीजों को छोड़ देते हो, तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में जितना भी आपका फैट जमा है ना, जितना भी लोअर बॉडी फैट है, वो सब बहुत जल्दी खत्म होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।